बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर सलमान खान के बारे में। देखा जाए दोस्तों, सलमान खान को आज की डेट में कौन नहीं जानता है, और इनके पिताजी की बात करें तो वो तो काफ़ी मशहूर राइटर भी रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज आप ये वीडियो देख करके समझ जाओगे कि सलमान खान जो कुछ भी हैं अपनी दम पे है, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी है और लोगों की काफ़ी बातें भी सुनी है। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखा जाए दोस्तों, सलमान खान अपने शुरुआती कैरियर में एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, या तो वो एक राइटर बनना चाहते थे या तो फिर वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, और उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी 1987 में। वो काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको काम कहीं नहीं मिलता है। दरअसल सलमान खान को कोई जानता भी नहीं था। इसी बीच देखा जाए 1988 में फलक, और उस मूवी में देखा जाए सलमान खान को असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलता है, और वो मूवी होती है जैकी श्रॉफ की। हालांकि जब वो मूवी रिलीज होती है कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है। ऐसे में सलमान खान फिर निकलते हैं काम मांगने के लिए, और इसी बीच सलमान खान को मालूम चलता है कि उस समय के मशहूर डायरेक्टर जेके बिहारी एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है बीबी हो तो ऐसी, और सलमान खान उनके पास पहुंच जाते हैं के लिए। लेकिन जब जेके बिहारी की सलमान खान पे नज़र पड़ती है तो जेके बिहारी को लगता है कि अगर ये लड़का मेरी मूवी में एक्टिंग करे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो जेके बिहारी उनसे ये कहते हैं कि मेरे पास असिस्टेंट डायरेक्टर का तो काम नहीं है, लेकिन अगर तुम इस मूवी में एक्टिंग करना चाहो तो तुम्हारे लिए इसमें काफ़ी अच्छा खासा रोल है। सलमान खान देखा जाए एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान के पास उस समय पैसे की तंगी काफ़ी ज़्यादा थी, तो सलमान खान इस मूवी के लिए हामी भर देते हैं। हालांकि देखा जाए इस मूवी में देखा जाए रेखा जैसे दिग्गज कलाकार होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सलमान खान अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम चल जाता है कि ये सलीम खान के बेटे हैं, तो सलमान खान को लोग सुझाव देते हैं, कहते हैं कि देखो यार, तुमको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर तुम अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करोगे तो तुमको काम जल्दी मिल जाएगा। लेकिन सलमान खान को इस बात से हमेशा इतराज रहा है, और उनके पिता सलीम खान को भी इस बात का एतराज रहा है का तभी। इसीलिए सलमान खान ने कभी भी अपने पिता का सहारा नहीं लिया। और इसी बीच देखा जाए सूरज ब्रजातिया एक मूवी बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है मैंने प्यार किया। देखा जाए दोस्तों, इस मूवी के लिए सलमान खान उनकी पहली पसंद होती है, लेकिन सलमान खान सूरज ब्रजातिया से कह देते हैं कि मैं इससे भी पहले एक मूवी में काम कर चुका हूं, और उस मूवी में मेरा कोई खास काम भी नहीं रहा था। वो काम आप देख लीजिए, मैं कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई खास एक्टिंग आती है। लेकिन सूरज ब्रजातिया इससे पहले भी कई लोगों का एडमिशन ले चुके थे, सलमान खान उनको बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। फिर क्या था, सूरज ब्रजातिया ने उस समय सलमान खान को 30,000 रुपये दिए और अपनी मूवी के लिए साइन कर लिया। और जब ये मूवी बनी तो सूरज ब्रजातिया को भी नहीं मालूम था ये मूवी इतनी तगड़ी हिट होगी, तभी सूरज ब्रजातिया ने इसको काफ़ी कम स्क्रीन पर रिलीज करा था। लेकिन दोस्तों, ये मूवी धीरे धीरे कमाल करती है और सलमान खान का जो नाम होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, और सलमान खान काफी बड़े स्टार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये मूवी हिट हो जाती है तो सूरज ब्रजातिया सलमान खान को 70,000 रुपये देते हैं इस मूवी के लिए। फिर क्या था, सलमान खान को काम मिलने लगते हैं, लेकिन 2 से 3 साल देखा जाए उनकी मूवियां कुछ खास कमाल नहीं कर पाती हैं, और सलमान खान का कैरियर ढलान पे आ जाता है। दोस्तों, कोई भी स्टार हो, जब तक उसकी साल में 2-3 से ज़्यादा मूवी हिट नहीं होती हैं तब तक वो बड़ा स्टार नहीं बन पाता है। आया साल 1994, और इस साल देखा जाए सलमान खान की 2 सुपरहिट मूवी एक साथ रिलीज होती है। एक का नाम होता है आमिर खान के साथ जिसका नाम होता है अंदाज अपना अपना, और जो दूसरी मूवी होती है उसका नाम होता है हम आपके हैं कौन। देखा जाए दोस्तों, ये मूवी काफ़ी तगड़ी सुपर हिट गई थी, और यहीं से देखा जाए सलमान खान का सुपरस्टार बनने का सफ़र तय होता है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था। हालांकि अगर हम 90s की बात करें तो उस समय देखा जाए
बॉलीवुड में बड़े बड़े दिग्गज स्टार का राज चलता था, जैसे कि आप सनी देओल ले सकते हैं, संजय दत्त ले सकते हैं, अनिल कपूर ले सकते हैं, जैकी श्रॉफ ले सकते हैं, लेकिन उसी बीच देखा जाए इंडस्ट्रीज में सलमान खान अपनी जगह बनाने में कामयाब रहते हैं और 90s के टाइम पे वो बैक टू बैक हिट मूवी देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं करण अर्जुन, जीत, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, बंधन, बीवी नंबर वन, हम दिल दे चुके सनम, हेलो ब्रदर। देखा जाए दोस्तों इतनी सुपर डुपर हिट होने के बाद तो ये मालूम चल जाता है कि बॉलीवुड में अब एक नया और काफी बड़ा सुपर स्टार आ गया है। लेकिन दोस्तों जब 21वीं शताब्दी आती है तो देखा जाए सलमान खान का फिर से जो करियर ग्राफ होता है वो डाउन होने लगता है। फिर सलमान खान एक्शन मूवी की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि अभी तक खाली सलमान खान देखा जाए लव स्टोरी फैमिली ड्रामा ही मूवी बनाते थे, लेकिन जब वो एक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, हे पार्टनर और गर्व जैसी मूवी करते हैं। लेकिन फिर आता है सन 2007 और ये सन 2007 सलमान खान का काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि इसी बीच देखा जाए उनकी मूवियाँ जो होती हैं काफ़ी बैक टू बैक फ्लॉप होती हैं और उनके ऊपर कई केस भी लगे होते हैं कि छवि भी देखा जाए हर जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो रही होती है और सलमान खान की मूवियाँ भी फ्लॉप हो रही होती हैं। ऐसे में अब ऐसा माना जा रहा था कि इस एक्टर का अब करियर डूबने वाला है, लेकिन उसी दौरान देखा जाए सन 2009 में वांटेड मूवी उनको ऑफर होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मूवी मत करो क्योंकि ये जो है ये साउथ की मूवी की कॉपी है और ये मूवी कुछ खास नहीं चल पाएगी और डायरेक्टर भी देखा जाए नया है। लेकिन सलमान खान कहते हैं कि वैसे भी मेरा करियर बर्बाद जा रहा है, मेरी मूवी फ्लॉप हो रही है, तो मैं ये भी एक मूवी कर लेता हूँ। और फिर सलमान खान वांटेड मूवी करते हैं और देखा जाए दोस्तों वांटेड मूवी के बाद सलमान खान का वो एक्शन कमबैक होता है जिसकी उम्मीद पूरे बॉलीवुड को नहीं थी। जहां आज लोग एक्शन 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 चिल्लाते हैं, सलमान खान ने सन 2009 में वांटेड से ही एक्शन का दौड़ ला दिया था और जिसके बाद देखा जाए फिर उनकी ले लीजिए चाहे दबंग 2, चाहे ले लीजिए रेडी, चाहे ले लीजिए टाइगर जिंदा है, चाहे एक्शन दे एक्शन मूवी ब्लॉकबस्टर होती रही। और इसी बीच देखा जाए बजरंगी भाईजान ने तो रिकॉर्ड बना दिया और उनके कैरियर की सबसे बड़ी मूवी हिट हो गई। और देखा जाए आज दोस्तों सलमान खान क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको। और हाल ही में देखा जाए अब सलमान खान की टाइगर 3 मूवी रिलीज हो रही, बॉक्स ऑफिस में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी कि बॉलीवुड की हिंदी सिनेमा के इतिहास की सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।